इस टाइम पे ना जो इंटरनेट पे वायरल हैंड बैग्स, क्लचेस और छोटे बैग्स की वैरायटी चल रही है, वो सारे ही आप लोगों को बैग्स आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में आज आप लोग देख के खुश हो जाएंगे क्योंकि कस्टमाइज क्लचेस की भी वैरायटी है। और जो कोरियन टाइप के स्लिंग बैग्स और शोल्डर बैग्स होते हैं ना, वो भी आपको मिल जाएंगे। और बड़े टोट बैग जो आजकल चल रहे हैं, जिसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है क्योंकि हर चीज़ प्राइजेस के साथ गाइड की गई है। और एक और बात, कुछ शॉप्स पे तो ना भाई सेल भी लगी हुई है, तो सेल तो आप लोगों ने मिस करनी ही नहीं है। अच्छा, एक और बात, कौन से बैग्स आपको लेने चाहिए जिसका स्टफ भी सॉफ्ट हो, उसमें स्पेस भी ज़्यादा हो, तो वो मैं आपको गाइड करूँगी आज की वीडियो में। मतलब कि ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है आज की इस होलसेल मार्केट का। ऑनलाइन अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो वो भी इजीली बाय कर सकते हैं, शॉप का कार्ड मेंशन किया है। और जहाँ तक मुझसे हो सका है, हर बैग की मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को प्राइजेस गाइड करूँ ताकि आप लोगों को आकर सिर्फ बाय करना हो, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात कि अगर किसी बैग की आपको ज़्यादा प्राइस लगी है तो ऐसा नहीं है कि उसकी एग्जैक्टली वही प्राइस हो, आप लोग बार्गेनिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो बड़ी यूनिक कलेक्शन होने वाली, जैसे कि आप लोग हाईलाइट्स पे भी देख रहे हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एमेजिना रोड कराची मरियम मार्केट में, जामा क्लॉथ के जो बिल्कुल सामने ही है, जामा मॉल के बराबर में। सबसे पहले हम जिस शॉप पे मौजूद हैं, शॉप नंबर 113, इनके पास ना इस तरह के आप लोगों को कस्टमाइज क्लचेस की ऑप्शन मिल जाएंगी। मतलब कि अगर आप लोग चाहे अपनी मर्जी से एम्ब्रॉयडरी करवाना और कोई भी डिजाइन देंगे तो ये आप लोगों को कस्टमाइज कर देंगे। प्राइस आपको मैं थोड़ा आगे चल के बताती हूँ, पहले आप लोग इसकी डिटेल्स कंप्लीटली जान लें। वेलवेट पे ये बनते हैं, सिल्क पे बनवा सकते हैं आप लोग। मतलब इस तरह के जो शाइनी टाइप के फैब्रिक होते हैं ना, जिन पे एम्ब्रॉयडरी हो सकती है और कोई मुश्किल नहीं आती, एम्ब्रॉयडरी करते वक्त कपड़ा खिंचता नहीं है, तो उन सब पे आप एम्ब्रॉयडरी करवा के अपनी मर्जी से अपना नाम लगवा सकते हैं। मतलब अपना नाम भी एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जिस शख्स से वेडिंग हो रही है तो उसका नाम भी लिखवा सकते हैं, या फिर अगर आपकी वेडिंग हो भी नहीं रही ना तो अपना अपना खुद का केले का नाम लिखवा सकते हैं, ठीक हो गया है। इस तरह की अगर आप लोग एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं खाली विदाउट नेम तो वो आपको 2200 के पड़ेंगे, और अगर आप लोग नेम के साथ एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं तो वो आपको 2500 के पड़ेंगे, ठीक है जी। ये देख लें, डिफरेंट डिफरेंट मैं आप लोगों को ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि आपको रेक्टेंगुलर भी मिल जाएगा और हर तरह के शेप्स में आप लोग कस्टमाइज करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप लोग आइएगा इनकी शॉप पे, अभी आप लोगों को मैं आगे नंबर भी गाइड करूँगी, ठीक है। तो ये सारे क्लचेस की वैरायटी थी जो मैंने आपको दिखा दी। और इसके अलावा एक और बात, जो आप लोगों के ड्रेस का फैब्रिक है उस कलर का भी आप लोग ड्रेस यहाँ से कस्टमाइज, सॉरी क्लच कस्टमाइज करवा सकते हैं, ठीक है जी। और डिफरेंट डिफरेंट आपने देखा कि क्लच खोलने के लिए डिफरेंट हैंडल्स थे तो वो भी लगवा सकते हैं, ठीक है जी। और 800 रुपये का ये पोटली बैग है जो कि हर जगह ही मिल जाता है। ये बड़ी पोटली है, इसमें छोटी भी आपको मिल जाएगी। और एक और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बैग दिखा रही हूँ कि आप इसको खोल के देख लें कि इसमें कितना स्पेस है और क्या है क्या नहीं। तो देखें, अच्छे खासे नोट, थोड़ा मेकअप भी आ सकता है, सेटिंग पाउडर और आप लिपस्टिक भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये 500 वाले नॉर्मल जो क्लचेस होते हैं पेस्टिंग वर्क वाले, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन सब की प्राइजेस जो हैं 500 रुपीज़ हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है जी। और एक और मैं आप लोगों को बैग दिखा दूँ जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, छोटा सा क्यूट सा बैग था, 1500 का दे रहे थे और मुझे इसमें वाइट कलर बेहद पसंद आया था। बाकी एक और बैग था, ये वाइट और पिंक कलर का, बहुत ही कोई ये कहते हैं ना बिल्कुल डिसेंट लुक वाला और बहुत ही कोई एलिगेंट सा था। तो इसका मुझे लॉक सिस्टम बड़ा खूबसूरत लगा था, लग रहा था कि वो लॉक है बट अंदर इसके बटन था। अच्छा, 2200 इसकी प्राइस है और यहाँ पर मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं करवाई है, तो अगर आप लोग खुद जाएंगे तो आप लोग बार्गेनिंग करवा सकते। ऑनलाइन लेने पर भी बार्गेनिंग हो जाती है, अपने जो रेट्स होते हैं ना वही लगाइएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक और बैग है, ये मुझे अच्छा लगा था इसका शेप, ये 2500 रुपये का है और इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा ना कोई डिसेंट सा था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें कलर्स अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। नंबर सुन ली, 0311280935 8, ठीक है जी। अब जी हम नेक्स्ट शॉप पे मौजूद हो, इनके पास बहुत ही कोई स्पेशल सेल लगी हुई थी, सिर्फ 1500 में आप लोग को 2 पीस, 1 पीस और अच्छे अच्छे बड़े टोट बैग्स वाले भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये सब 1500 रुपीज़ वाली सेल दिखा रही हूँ, सॉरी 1600 रुपीज़ वाली, ठीक है। ये देखिए, ये भी 1600 में है। इसके अलावा इनके पास 2000 रुपीज़ की भी सेल थी, इनके पास 2500 वाली सेल नहीं थी, बट बैग्स अवेलेबल थे, 2200 वाले भी थे और अच्छे जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं ना जिसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है वो भी इनके पास थे। उसके ऑप्शन में आप लोग को बहुत सारे दिखाऊंगी, आपने अभी इनकी शॉप तो आखिर तक देखनी है, बहुत मज़े की इनके पास वेराइटी है। ये देखें, काफ़ी अच्छा बैग्स का स्टफ था, ये भी 1600 रुपीज़ की रेंज में है। अभी जितने भी बैग दिखाऊंगी सब 1600 में होंगे। फिर थोड़ी देर बाद ही मैं आप लोग को जो बैग दिखाऊंगी उसकी 2000 रेंज होंगी और वो शोल्डर टाइप के बैग थे। ये भी देखेंगे टोट बैग है, ये 1600 रुपीज़ का है। अब जो देखेंगे ये वाला बैग, ये 2000 रुपीज़ का है। इसमें भी देखें कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग हुई है। ये सारे बैग्स में बहुत अच्छे से हर चीज़ थी, मतलब कि समझे आप लोग कोई लोकल बैग नहीं लग रहे थे ये। ठीक है जी, ये देखें ये फर हैंडल वाला बैग है, ये भी 2000 रुपीज़ का है। मतलब ये सारी जो कलेक्शन है छोटे छोटे बैग्स की इस तरह से ये 2000 रुपीज़ में ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें रेट्स नहीं है। इसके अलावा इससे भी अच्छी क्वालिटी के बैग थे, वो बहुत प्यारे बने हुए थे इससे भी, और उसकी प्राइस थोड़ी डिफरेंट थी। अभी ये सब जो बैग हैं ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब 2000 रुपये की सेल में है। ठीक है जी, तो 2000 में आप लोगों को अच्छे से अच्छे बैग मिलेंगे। कुछ बैग आपको पाउच के साथ भी मिल जाएंगे, इनके साथ लॉन्ग बेल्ट्स भी अवेलेबल थी। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो कि बैग के अंदर ही रखी हुई थी। एक बैग मैंने आपको खोल के भी दिखा दी तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। ठीक है जी, अब जो आप बैग देख रहे हैं इनके हैं 2500 रुपये। ठीक है जी, ये 2500 वाली वेराइटी है और ये देखें पहले वाले बैग से ये ज़्यादा खूबसूरत बने हुए हैं और ज़्यादा प्यारे हैं। ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन बैग की क्वालिटी गंदी हो, बस ऐसा है कि जितने पैसे बढ़ते जाएंगे क्वालिटी और मज़ीद इन्हांस होती जाएगी। ठीक है जी, तो ये देखिए ये 2500 का बैग है और इसमें मुझे पिंक कलर बहुत प्यारा लगा था, एक पिंक और पर्पल टाइप का कॉम्बिनेशन था। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और इसके साथ भी आपको लॉन्ग बेल्ट्स मिलेंगी ताकि आप लोग इसको शोल्डर पर हैंग कर सकें। एक तरह से ये शोल्डर बैग भी कहला सकते हैं। अच्छा, इन बैग्स की मैं बात कर रही थी, ये बैग इन्होंने बहुत प्राइस बताई थी इसकी, 4800 रुपीज़ इसका बताया था। और एक शॉप पे मैं गई तो मुझे इसी तरह के बल्कि इससे अच्छे और बहुत सॉफ्ट कलर्स में बैग्स मिले जिनकी प्राइस जो थी ना वो इससे तो कम ही थी और वो मेरी मामा को बहुत पसंद आए अपने लिए। तो वो शॉप तो आपने मिस करनी ही नहीं है क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वो शॉप भी। अच्छा, ये वाली जो शॉप है ना इनके पास भी ये वाले बैग थे, लेकिन थोड़े वो कहते हैं ना बिल्कुल फंकी टाइप के कलर, थोड़े ब्राइट कलर्स में थे, ज़्यादा लाइट कलर्स अवेलेबल नहीं थे। ये सब 4800 रुपीज़ के, ये जो बड़े बड़े बैग्स देख रहे हैं आप लोग। ठीक है जी, इसका स्टफ भी अच्छा था। बट अब कार्ड चेक कर लीजिए, ये रुमेसा ब्राइडल। अब नेक्स्ट शॉप पे हम मौजूद हैं और इनके पास मुझे क्लचेस बहुत प्यारे लगे थे। और अगर आप होलसेल में लेते हैं तो उसकी डिफरेंट प्राइस होगी, मतलब हाफ रेट होंगे, जो मैं आपको एग्जैक्टली रेट बता रही हूँ। ये 1200 है। अगर आप लोग होलसेल लेने के बल्क क्वान्टिटी में ऑर्डर उठाते हैं तो आपको 600 पड़ेंगी। ठीक है जी, जो 1200 वाले हैं वो सब 600 में पड़ेंगे अगर आप ज़्यादा पीसेज लेंगे तो। ये क्लियर हो गई ये बात। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेटालिक कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे ये मुझे मेटालिक कलर वाला बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें सिल्वर भी बहुत मज़े का कलर था, गोल्डन भी बहुत अच्छा था, ये कॉपर टाइप का कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। और अब जो बैग देख रहे हैं ये ज़्यादातर इनके पास 1200 वाले ही रेंज है। तो मैं आप लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिखा रही हूँ। मुझे ये हार्ट टाइप का बैग बहुत अच्छा लगा था और इसके बाद अम्मी को ये वाला बहुत पसंद आया था। इसमें दो शेप्स आपको मिलेंगी, पहले ये एक शेप देख लें। थोड़ी देर बाद जब मैंने एक दो बैग मेरी मम्मा ने दिखा दिए ना तो फिर उसके बाद हमें उसी बैग का दूसरा शेप नजर आया, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। आखिर तक वीडियो देखें, तभी मैं कह रही हूँ कोई चीज़ ना कोई पार्ट मिस करने वाला नहीं है वीडियो का। और एक और बात बता दूं कि इस पूरी मार्केट में बल्क में ऑर्डर लेने वाले भी हैं। तो ये देखें, आपको मैंने बोला था कि दो शेप्स दिखाऊंगी तो दोनों शेप्स देख लीजिए। और एक लास्ट बैग था मुझे इनके पास एप्पल स्टाइल का, वो बहुत अच्छा लगा था। तो ये रहा वो बैग और इसकी प्राइस मैं पूछना भूल गई, 1500 तक ये मुझे बता रहे थे, लेकिन अच्छे तरीके से मुझे याद नहीं है। तो बहुत क्यूट सा ये बैग था। ठीक है, ब्राइडल के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट शॉप पे मौजूद है और इस शॉप की मैं बात कर रही थी। इनके पास ना रेंडम अम्मी को बहुत प्यारे बैग्स लगे थे और इनके पास वैसे होती भी कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, स्टफ़ बहुत प्यारा था। 3000 रुपये की रेंज में अभी आप 3-4 बैग्स दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, और इसका स्टफ़ इतना ज़्यादा कोई सॉफ्ट था, जैसे स्टाइलों पे 8-8 हज़ार वाले बैग होते हैं ना समझे, बिल्कुल वैसे ही इनके पास बैग थे। बस ये 3000 रुपये के थे। मेरी मामा को तो ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई मुझे तो लेना ही लेना, अभी मैं इतने ज़्यादा पैसे रख कर लेकर नहीं आई। बट उन्होंने कहा कि फाइनल 2900 हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को लेने का इरादा हो तो आप लोग ये ले सकते हो, थोड़ा सा 200 रुपये कम कर दे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है जी, बस आप लोग यहाँ पर देखते जाएँ, बहुत सारे बैग्स मैं आपको दिखा रही हूँ। और मज़ीद इनके पास वो जो इस तरह के ये पैराशूट टाइप में बैग नहीं होते, मतलब पैराशूट फैब्रिक में, वो भी आपको मिल जाएंगे। ये भी 3000 रुपये के थे। बट ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ अम्मी को ये वाला जो चेक वाला बैग था ना ये बहुत पसंद आया, चेकर बोर्ड वाला। ठीक है जी, ये देखें इनके पास छोटे बैकपैक भी, ये भी पैराशूट फैब्रिक में है। ठीक है जी, और आप लोगों को इनके पास बहुत सारे छोटे बड़े हर साइज़ के बैग्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, और ये देख लें, मैं आपको सारे बैग्स दिखा रही हूँ। थोड़े फैंसी टाइप के वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनकी शॉप का कार्ड चेक करती हूँ। अच्छा, जो बड़े बैग दिखाई दे रहा 3000 रुपये में, उसमें इनके पास छोटे बैग्स भी अवेलेबल थे। ये सामने आप देख रहे हैं मकबूल पर्स के नाम से इनकी शॉप है और इनका कार्ड रहा, शॉप नंबर 91। नेक्स्ट शॉप पे हम मौजूद नहीं है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे देखिए इतनी सारी शॉप्स हैं जिन पे आपको हैंड बैग्स भी मिल जाएंगे, बच्चों के भी, बड़ों के भी, स्कूल के लिए भी, कॉलेज के लिए भी। अच्छा, जिस शॉप पे अभी हम मौजूद है सिर्फ इनका मुझे ये बैग दिख रहा था, पैराशूट फैब्रिक में ये बैग था, बहुत पसंद आया था मुझे, 650 रुपीज़ प्राइस थी। अब जी नेक्स्ट शॉप पे मौजूद है शॉप नंबर 101 और इनके पास भी जो लगी हुई थी सेल, सॉरी फॉर ज़्यादा स्पीड में बोलने के लिए। अच्छा ये देखिए ये 1500 रुपीज़ की सेल है और ये जो फैब्रिक है ये खड्डी फैब्रिक पर बैग बने हुए हैं, जो खड्डी टाइप का फैब्रिक नहीं तो मोटा वाला, इसमें ज़्यादातर लाइट कलर्स ही थे। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो सपोर्ट के लिए लगा हुआ है ना वो मुझे गत्ता टाइप का लग रहा था, गत्ता तो नहीं कहेंगे, मतलब उससे थोड़ा सा अच्छे वर्जन का कह सकते हैं, इसी का ही ना मैंने ओरिजिनल टाइप का देखा, ओरिजिनल नहीं कह सकते, फर्स्ट कॉपी कह सकते हैं। तो मतलब इससे अच्छा वो 2500 का मिल रहा था, लेकिन वो इस मार्केट में नहीं अवेलेबल, यहाँ पर आपको 1500 वाले ही मिलेंगे और ये बहुत अच्छे भी हैं, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। अच्छा पहली शॉप पर देखा था यही वाला बैग 1500 का मिल रहा था, यहाँ 1850 का है। तो आपको मैं जो शॉप दिखा रही हूँ ना उस पर जो बैग्स हैं तो और जो उस पर प्राइस है, ज़रूरी नहीं है हर शॉप पे उतने ही प्राइस हो, कम भी मिल सकते हैं, आप तो थोड़ी मार्केट घूम लेना। ये 1200-1200 रुपये की सेल मैं आप लोगों को दिखा रही थी कुछ बैग्स की। अच्छा ये जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर ये वाले बैग्स, ये आप लोगों को 2200-2500 इस तरह की रेंज में मिलेंगे। 1200 की चेन वाले बैग्स दिखाए थे ना उनसे अच्छा मटीरियल इनका, लेकिन उनका भी अपनी जगह अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को मटीरियल ख़राब मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो बैग देख रहे हैं इसकी प्राइस है 2500 रुपये। कलर ऑप्शन दिखाने का टाइम नहीं होता, इसलिए जो भी आप लोगों को मैं एक कलर दिखा रही हूँ ना समझो उसमें एक कलर नहीं, उसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, 5 से 6 मिल जाएंगे। अच्छा ये जो बैग देख रहे हैं इसकी प्राइस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बताई थी, बट इसका जो लुक था अभी मैं आपको करीब से दिखाऊंगी ना तो फिर आप लोगों को, बल्कि दिखा चुकी हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो देखिए ये वाला बैग भी उसी में है, मतलब दोनों की सेम ही प्राइजेज हैं और प्राइस मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है, बट इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, दूसरे वाले पे ना एम्बोजिंग प्रिंट हुआ हुआ था। अच्छा ये जो बैग देख रहे थे अंकल आंटी उनको बहुत पसंद आया था, शॉप वाले ने 2200 या 2500 उसके रेट बताए थे तो वो उसको छोड़ के चले गए, बट इसका जो व्हील टाइप लगा हुआ था ना बीच में वो घूम रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। खैर यहाँ पे हम नेक्स्ट शॉप पे मौजूद है और इनके पास ना 2200-2500 रुपये वाले 2500 रुपये में इस तरह के बैग्स की वैरायटी है, इसमें आपको लॉन्ग बेल्ट और शॉर्ट वाली बेल्ट दोनों मिलेगी। मुझे ये वाले बैग बहुत पसंद आया था, ये जो आप देख रहे हैं इसमें 5-6 पॉम्पॉम इस तरह करके लगे, मतलब इतने क्यूट लग रहे थे। इसमें कलर्स आपको बहुत सारे अवेलेबल मिलेंगे, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, सामने लगे हुए थे तो इसलिए मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ना आइडिया लग जाए अब यहाँ पर कि कलर्स ऑप्शन हैं भाई। अच्छा ये जो बैग देख रहे हैं ये तो बहुत कॉमन हुआ हुआ है, डिस्प्ले में इनके पास 2 ही कलर रखे हुए थे तो मैंने आपको 2 ही कलर्स दिखा दिए हैं, और इसका तो बैग का बहुत ज़्यादा पुराना फैशन हुआ हुआ तो इसलिए फिर मैंने आपको इसकी प्राइस पूछी भी नहीं, ठीक है। अच्छा ये 3000 रुपये का बड़ा सा बैग है, अम्मी कह रही थी भाई इससे अच्छा तो वो जो पिछली शॉप पे हम देख कर आए हैं उसमें मैंने आपको लाइट से कलर्स दिखाए थे, अम्मी ने कहा वो ज़्यादा अच्छा था इससे, तो खैर फिर ये अच्छा नहीं लगा, वैसे इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है, गत्ता सा लग रहा था। खैर यहाँ पे देखिए 2500 की रेंज में आप लोगों को इस तरह के थोड़े फैंसी बैग्स के, समझे जो ब्राइडल के लिए होते हैं ना शादी के बाद के लिए, तो वो ऑप्शन अवेलेबल थे। अच्छा ये जो ग्रीन टाइप का बैग है ना ये मैं आपको दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने शॉप देखी थी जिनके पास आपको मैंने मेहरून सा बैग नहीं दिखाया था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इस बैग के उस पर वही वाली इम्पोजिंग वाला काम है, तो इनकी ज़्यादा सस्ती प्राइस मुझे लगी 2500 में, ठीक है। तो वो तो मेरे ख्याल से 8 या 7 हज़ार बता रहे थे। खैर यहाँ पर देखें आपको इनके पास बहुत सारे बैग्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, सब दिखा दिए हैं। अब बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर की शॉप्स को विजिट कर लेते हैं। ये 950 में इस तरह के मोबाइल और पैसे रखने वाले बैग्स थे, इसमें आप लोग को थोड़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे। ये 1000 रुपये वाले दिखाती हूँ अभी आपको, ये 1000 रुपये में, बट ये मुझे बहुत मोटा लग रहा था और मुझे मोटा बैग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑलरेडी ये इतना मोटा होता है, इसमें फिर आप मोबाइल डालेंगे या फिर कोई पैसे डालेंगे तो ये और मोटा हो जाएगा। लेकिन खैर मुझे लग रहा था कि इसमें वो एक मोटा मोटा थर्मोकोल टाइप का नहीं होता वाइट कलर का, वो रखा हुआ होता है, तो शायद उस वजह से ये थोड़ा मोटा लग रहा हो, बट आप लोग देख लेना, आगे चेक करना। वैसे ये चीज़ अच्छी है, देखिए आप देखा थर्माकोल इसमें रखा हुआ है। खैर अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं ये एक और बैग है, मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसमें आप लोगों को 2 कलर्स मिल जाएंगे, इसमें डिज़ाइंस अवेलेबल मिल जाएंगे। और बस एक और बैग दिखाती हूँ, वो 1850 का ये बोल रहे थे, ये वाला जो ब्राउन वाला था 2200 का कुछ बोल रहे थे। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था, उम्मीद कर रही हूँ कि पसंद आया होगा। ये देखें डिज़ाइन इसमें चेक करें और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, आपने भी ज़रूर मिलना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें और दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को याद रखती हूँ और मैं भी जा रही हूँ, आप भी जाइए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं। और बाय बाय, टेक केयर, टाटा।